अगर बात किया जाए मोमेंटम इंडिकेटर के बारे में, तो यूट्यूब में बहुत सारे इंडिकेटर्स के नाम हैं, जैसे RSI हो गया, स्टोकास्टिक हो गया, या फिर MACD क्यों ना हो, लेकिन ये सारे जितने भी कैंडल्स यूट्यूब में अपलोड किए गए हैं वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। कुछ वीडियो में कहा गया है MACD अगर 70-80 के ऊपर है तो ओवरबॉट जोन है, वहाँ से आप सेल करना सही है। और कुछ वीडियो में मैंने ऐसा देखा कि MACD अगर 70-80 के ऊपर है तो आप बाय कीजिए, क्योंकि बाय विनर्स को बाय करना अच्छा रहता है। और काफ़ी हद तक हमने भी देखा है जब हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं और ओवरबॉट जोन में शॉर्ट करते हैं, उसके बाद भी प्राइस ऊपर जाता है, और नीचे के साइड में ओवरसोल्ड जोन में भी हम अगर बाय करते हैं उसके नीचे भी प्राइस जाता है। तो अगर इंडिकेटर को समझे तो इंडिकेटर कभी बाय सेल सिग्नल नहीं देता। कुछ इंडिकेटर हैं जो आपको बाय सेल में बहुत हेल्प करते हैं, वो सिग्नल्स भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोमेंटम इंडिकेटर तो आपको बाय सेल सिग्नल नहीं देता। उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। जैसे अगर RSI हो, MACD हो, या फिर स्टोकास्टिक क्यों ना हो, इसको कन्फर्मेशन इंडिकेटर कहा जाता है। लेट सपोज मैंने बाय किया है एक स्टॉक और वो ओवरबॉट जोन में जा रहा है, तो मेरे लिए एग्जिट करने का टाइम आ गया। ठीक है, ये तो हो गया मेरे स्टाइल का ट्रेडिंग। अगर यूट्यूबर्स जो आपको बताते हैं उसको मैं समझाना चाहूँगा, आप अगर ओवरबॉट जोन में खरीद रहे हो तो याद रखें, आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे, तो ओवरबॉट जोन में खरीदना सही रहता है। लेकिन अगर आप पोजीशन में लेना चाहते हैं स्टॉक्स, तो ओवरबॉट जोन आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वहां से प्राइस वापस आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, हम अगर इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो छोटा टाइम फ्रेम तो देखेंगे नहीं, वहां पर हम देखेंगे डेली कैंडल चार्ट, आवर्ली कैंडल चार्ट, या फिर वीकली कैंडल चार्ट। वहां पर ओवरबॉट जोन को हम अवॉइड करते हैं बाइंग साइड के लिए, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग में ओवरबॉट जोन में हमको स्टॉक खरीदना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स जैसे माइकल मार्कोस बाय द विनर्स, जो जी खरीद, जो बढ़ रहे हैं उसको खरीदो। तो आप अगर बढ़ रहा है एक स्टॉक ओवरबॉट जोन में उसको भी खरीद लेते हैं, तो ओवरबॉट और भी ओवरबॉट हो जाता है, तो वहां पर आपको पैसा मिलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? सिंपल सी बात है, जब मोमेंटम इंडिकेटर यूज करें तो ओवरबॉट जोन में स्कैल्पिंग के लिए ओवरबॉट जोन में खरीदिए, और उसी तरह अगर ओवरसोल्ड जोन में है तो वो सेलिंग साइड में है। जैसे ओवरसोल्ड जोन में आता है प्राइस में इंडिकेशन आता है, प्राइस एक्शन को फोकस कीजिए। अगर सेल साइड दिखाता है तो सेल कीजिए, अच्छा पैसा मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा। देखिए इंडिकेटर को देख के ट्रेड करना बंद कीजिए, आपको कैंडल सीखने होते हैं और प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करना होता है। प्राइस एक्शन और कैंडल सीखिए, उसके बाद पोजिशन साइजिंग और मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के ऊपर आप अगर काम कर लिए तो इंडिकेटर्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो बंद कीजिए इंडिकेटर को देख के ट्रेड लेना, प्राइस एक्शन को फोकस कीजिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट।